पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जाति प्रकरण को लेकर मचे बवाल के बीच मेयर गणेश पासवान भी सामने आए हैं। संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने कहा कि दूसरे की जमीन का कागज दिखाकर मुझे बंगाली बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पहली बार पार्षद बनने के बाद से ही उनके विरोधी जाति को लेकर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय महादलित आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। सारे जांच के बाद डीएम की ओर से 15 फरवरी 2020 को अखबार में विज्ञापन भी दिया गया था, किसी को जाति पर आपत्ति है तो अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए। इसके बाद डीएम ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए विरोधियों के आरोप को खारिज कर दिया था। इस रिपोर्ट में जांच के आधार पर उन्हें दुसाध जाति ही बताया गया था। उन्होंने कहा कि इस पर मेयर का डायरेक्ट चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से इस मामले को उठाया गया है। दूसरे की जमीन के कागजात को उनके परिवार का बताते हुए बंगाली होने की बात कही गई है, जबकि 1914 के खाता प्लॉट संख्या 6498 में उनके परिजनों को दुसाध जाति ही बताया गया है। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार मामले की जांच निगरानी विभाग को दी जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों की कमेटी बनाकर जांच कराई गई है। उनके द्वारा सारा कागजात उपलब्ध करा दिया गया था, लेकिन दुर्भावना से प्रेरित होकर उनके कागजात पर गौर नहीं किया गया। मेयर ने कहा कि आश्चर्यजनक तथ्य है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे व्यक्ति और उनके परिजनों को गवाह बनाया गया है। इतना ही नहीं, असम के एक व्यक्ति के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर गवाह बनाया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले को कोर्ट के सामने रख दिया है। संवाददाता सम्मेलन में मेयर के पक्ष में कई पार्षद भी मौजूद रहे, जिसमें सशक्त स्थायी समिति के सदस्य अखौरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही जिस जमीन के कागजात के आधार पर गणेश पासवान को बंगाली बताया गया है, उस जमीन के मालिक भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। माननीय महापौर वीरेंद्र कुमार और गणेश पासवान जी के बारे में भिन्न भिन्न तरह का आरोप लगाया गया। पहले तो यह मामला विचाराधीन था, तो ये सब बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बात यहाँ पर लाया और लोगों में भ्रम और ये दुष्प्रचार किया, इसलिए सच्चाई सामने बताना आम लोगों को, चूँकि आम लोग से चुन करके सम्मानित जनता से मेयर का चुनाव होता है। 2010 में ये चुनाव जब लड़े थे तो भंटा पासवान जो साथ में उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उनकी बहन चुनाव हार गई थी इनके द्वारा। जब हारने के बाद ये दोबारा से मेयर बन गए। इस बीच में भंटा पासवान ने कई जगह केस मुकदमा और परिवाद दायर किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर के राष्ट्रीय महादलित आयोग तक, जिसमें यही एसपी साहब का कार्यालय और डीएसपी साहब का कार्यालय से दो दो बार इनको दुसाध पासवान जाति घोषित किया जा चुका है। जब ये मेयर बन गए तो हारे हुए उम्मीदवार जो राकेश कुमार और किशोर पासवान जी थे, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग में मुकदमा जाके परिवाद दायर किया और विभाग में दायर किया, नगर विकास विभाग में। जब वहाँ ये दायर होने के बाद आदेश आया जिला पदाधिकारी, तत्कालीन जिला पदाधिकारी गया को, कि मामले का सुनवाई करें और सुन करके वस्तु स्थिति से अवगत कराएं और आवश्यक कार्रवाई करें। महीनों केस चला, गजट हुआ, अखबार में छपा, उसके बावजूद फिर यही ला करके यहाँ पर मामला डिग्री हुआ और डिग्री में इनको कोई इनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए जाने पर इनको अन्य कागजातों इश्तहार और प्रकाशन के बाद इनको दुसाध पासवान जाति घोषित किया। एक ही जुल्म, एक ही आरोप, एक ही तरह की बात में बार 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 पड़तालना होते होते अभी जब मेयरी जीते हैं तो श्यामदेव पासवान जी जाके केस कर कि 1970-71 का एक बख्शीश है, वो बख्शीश में इनका नाम सरकार और जाति बंगाली लिखा हुआ। बंगाली कोई जात नहीं होता, सरकार। आज भी हम लोग गांव में जाते हैं, बड़े को लोग हुजूर सरकार बोल के संबोधित करते हैं। मैं मुझ पर जो आरोप लगा है वो झूठा निराधार लगा है। हमारा ये फैसला, सबसे पहले मैं चुनाव वार्ड पार्षद का लड़ा, उस समय अंटा पासवान का बहन हमसे चुनाव लड़ी, वो चुनाव हार, और देश में आके इनके द्वारा हम पर यह आरोप लगाया गया कि ये बंगाली समाज से। आज भी मेरा पूरा वहाँ चाचा चाची का अभी भी वहाँ जमीन खतियान है,
वो हमने आप लोग को दिखाया और उनके द्वारा मुझे हमेशा बदनाम करने की प्रक्रिया चलती रही। वो खुद ही एक बदनाम व्यक्ति है, आपको नहीं जानकारी होगा तो वो आप उसका बायोडाटा निकालिए, उसका परिवार का पूरा सूची निकालिए, उस आदमी का जो आज तक कुछ काम करता ही नहीं है, वो दिन भर यही सब काम करता है, उसका झूठ उसका सच उसका उस कोठी का धान उस कोठी। और एक अपराधी चरित्र का आदमी हमको कहता है कि बंगाली में लाला है, ठाकुर है, ये है फलाने, वो खुद अपना ही झांक करके देखे ना वो क्या है, वो खुद ही एफिडेविट में करके दिया है कि ये मेरा पत्नी नहीं है और पत्नी शो कर रहे हैं। वो शहर में एक अपराधी चरित्र का छवि के आदमी हमको बदनाम करने के लिए, शहर का प्रथम नागरिक को बदनाम करने के लिए वो ऐसा द्वेष की भावना कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, जो वो कर रहे हैं, मुझको जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। उनके द्वारा जो प्रताड़िता करी जा रही है वो खुद अपने घर में झाँक के देखे आपकी स्थिति क्या है, आपका शहर में छवि क्या है। एक अपराधी चरित्र का आदमी है और इससे बढ़िया नहीं, शहर जानता है कि आपका छवि क्या है। आज तक पूरे शहर को मालूम है कि आप एक स्कैंडल है, बहुत तरह की उनके पर बात है। वो दिन भर यही काम करता है, अल बलाने। और जो DSP साहब जो हमारे पर जो आरोप लगा है वो हमेशा झूठा निराधार है, उनको शहर भी जानती है अच्छी तरह से। बहुत से ऐसे हैं जो बेगुनाह को उन्होंने गलत रिपोर्ट देकर इस तरह से किया गया है, उनका भी हम साक्ष कुछ दिन बाद उनका भी बहुत बहुत बड़ा बड़े बड़ा साक्ष मेरे पास आने वाला है, मैं उसका भी उद्भेदन करूँगा। और इस षडयंत्र में जो लोग मेरे लगे हुए उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग के द्वारा जो मुझ पर आरोप लगाया जिससे मेरा पूरा परिवार पीड़ित है और मानसिकता तनाव में हम लोग पूरे परिवार जी रहे हैं, इस तरह की आरोप जो मुझ पर लगाया है वो झूठा और निराधार है। सर 18 को जून को आने वाला फैसला क्या करना चाहिए? वो निर्वाचन आयोग में गया है, मैं अपना साक्ष वहाँ रखूँगा, साक्ष आप लोग ने देखा है, गलत सही आपने देखा, वो मेरे जो रिपोर्ट यहाँ से गया है वो झूठा और निराधार है और मुझे पूरा न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।